हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? राधे राधे, राम राम। मेरा चैनल पुष्पा गौड़ क्रिएटिव आइडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं मेरा टेरिस गार्डन पे टेरिस गार्डनिंग कैसे करती हूँ। बहुत ही सरल और आसान तरीके से करती हूँ, और गर्मियों की सब्जियां भी मैंने लगाई है। गर्मी की सब्जियां लगाने में बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों, उसको मैंने सक्सेसफुली तैयार किया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ छोटे मोटे टिप्स भी आप लोगों को देना चाहती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरे टेरिस गार्डन का ओवरव्यू शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमने हमारे टेरिस गार्डन पे वेजिटेबल्स वगैरह कैसे ग्रो की है, और सीडलिंग भी मैंने कुछ तैयार की है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो बहुत ही सरल और आसान है, मैंने मेरी एक्सपीरियंस से जो सीखा है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम हमारे टेरेस पे चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या ग्रो किया है। आइए, ये देखिए दोस्तों, ये सारे बैंगन मैंने मेरे टेरेस से ही हार्वेस्ट किए हैं। ये देसी बैंगन है और ये ग्रीन कलर के हैं, कुछ मेरे बैंगनी कलर के हैं और कुछ ग्रीन कलर के हैं। तो ये ग्रीन और पर्पल का सेड है इनमें, तो ये मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं। अब आगे हम देखते हैं हमने क्या किया। ये देखिए, ये 200 लीटर का एक कंटेनर होता है, ऑयल कंटेनर, इसको मैंने हाफ कट किया है और इसमें मैंने 4-5 बेले करेले की लगा दी है। अब इनमें करेले भी आने लगे हैं दोस्तों। एक महीने पहले मैंने इन्हें ग्रो किया था, तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छी और हरी भरी ये बेले हैं। तो गर्मियों में हमें सब्जियों की दिक्कत नहीं होगी। और कुछ फ्लावर के प्लांट्स भी मैंने लगाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये रेड सदाबहार का पौधा है, इससे मैंने और भी पौधे तैयार किए हैं, आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। और हाँ दोस्तों, जो भी हमारे पुराने पौधे हो जाते हैं, उनकी सूखी हुई डंडियाँ, सूखे हुए पत्ते और सूखे हुए फूल सब हटा देने चाहिए। रोज़ हमें इनकी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। तो मैं इसी तरह से सारे पौधे रोज़ साफ़ करती हूँ, और इसमें मैं नीम ऑयल का स्प्रे भी करती रहती हूँ। ये देखिए, क्रूटॉन का एक पौधा है ये, और मैंने सदाबहार के बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं। और ये देखिए, गुड़हल का पौधा कितना हरा भरा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये चांदनी का है, इसमें भी फ्लावर आ रहे हैं। और ये पास में मेरे मोगरे का है, इसमें भी फ्लावर आ रहे हैं। ये देखिए, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कटिंग से भी तैयार की है दोस्तों, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, मेरा जेड प्लांट कितना भरा हुआ है। मैं एक ही जेड प्लांट लेकर आई थी, उससे मैंने इतने सारे तैयार कर लिए हैं। अब ये देखिए, मेरे अपराजिता की बेल है, ये कहाँ तक चढ़ गई है दोस्तों, देखिए। और बड़े ही प्यारे ब्लू कलर के फ्लावर इसमें आते हैं। ये देखिए, एक वेस्ट मटेरियल है, थर्माकोल का डिब्बा है, किसी मशीनरी में आया था, उसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगा दिए हैं। तो आप लोग भी वेस्ट कोई भी चीज़ फेंके नहीं, उसमें आप प्लांट्स लगा सकते हैं। ये देखिए, इसको भी मैंने कटिंग से तैयार किया है, नए नए सूट्स आ गए हैं। ये गुलाब का पौधा है दोस्तों, गुलाब के पौधों में गर्मियों में आप सिंपल पानी का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए, एक लाल सदाबहार का इधर और है, ये कलंचों में काफ़ी फ्लावर आ रहे हैं, ये गुड़हल में भी फ्लावर आ रहे हैं। ये देखिए, ये बिलपत्तर का भी मैंने एक पौधा लगाया था, ये भी बहुत अच्छा हो गया है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो केरी के साथ बनने वाले गुंदे होते हैं सब्जी, छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है, कितने प्यारे और ग्रीन कलर के इसमें पत्ते हैं, देखिए आप लोग। सारे पत्ते मेरे आपको ग्रीन ही नज़र आएंगे, क्योंकि मैं इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो भी पिल्स निकलते हैं, किचन वेस्ट जो निकलता है, उसको मैं पानी में भिगो कर रख देती हूँ, और
उसमें सिंपल पानी और ऐड करती हूँ और फिर मेरे सारे प्लांट्स में दे देती हूँ। तो उसी से ये इतने सारे सभी पौधे मेरे ग्रीन रहते हैं, देखिए। और इनको भी मैंने सीड से तैयार किया है दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं आपको मेरी सब्जियों की बेलें दिखाती हूँ, ये देखिए। ये चाइनीज़ खीरा है दोस्तों, कितनी लंबी बेल गई है और एक भी पत्ता आपको पीला नज़र नहीं आएगा। टाइम टू टाइम मैं इसमें सब्जियों के और फ्रूट का पानी देती रहती हूँ, दाल और चावल का पानी देती हूँ। ये देखिए एक और चाइनीज़ खीरा। इसी तरह से मैं आप लोगों को टिप्स बताना चाहती हूँ कि हमें मार्केट से कुछ भी नहीं लाना है, कोई केमिकल हमें ऐड नहीं करना है। मेरे खरबूजे की बेलें लगी हुई है, ये देखिए, बड़ी वाली ककड़ी की लगी हुई है, ये देखिए। आपको कोई भी बेल आपको ख़राब नज़र नहीं आएगी, ये देखिए, कहीं आपको कीड़े नज़र नहीं आएंगे। तो सिंपल और आसान तरीके से मैं गार्डनिंग करती हूँ दोस्तों। और ये ग्रीन नेट भी मैंने लगाया है, देखिए मेरे खरबूजे की 4-5 बेलें हैं और सब में खरबूजे लगे हुए हैं। ये इधर भी लगे हुए हैं, ये टमाटर है, ये फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों, देखिए। टमाटर के और पौधे तैयार करूँगी मैं, ये देखिए। इसमें भी मेरे चाइनीज़ खीरा कितना लंबा पतला और कच्चा सा है, देखिए। इसको खाते ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों, ये देखिए। इसमें खरबूजा और लगा हुआ है क्योंकि हमारे घर में खरबूजे बहुत पसंद किए जाते हैं और ऑर्गेनिक खरबूजे बाज़ार में नहीं मिलते दोस्तों। ये देखिए काफ़ी खरबूजे लगे हुए हैं और जो छोटी साइज के होते हैं उसमें आप प्लास्टिक की पन्नी को पिरो दीजिए ताकि उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। ये भी एक टिप्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अब ये देखिए, ये एक गिलकी है, तोरू की जैसी होती है सब्जी, उसमें देखिए मैंने ये पोलन कर रही हूँ, नर फूल से मादा फूल में। इस तरह से हमें पोलन करना है, मैं जो भी फ्लावर होता है फटाफट पोलन कर देती हूँ। अब हम थोड़े बहुत पौधों में पानी दे देते हैं और आगे आपको और दिखाऊंगी। तो दोस्तों मेरा कहने का यही मतलब है कि देखिए मेरे पास टप, बाल्टी, कोई भी कंटेनर, कुछ भी होता है, सब में मैं वेजिटेबल ग्रो कर लेती हूँ, कुछ फ्लावर प्लांट ग्रो कर लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ भी वेस्ट हो तो उसको फेंकेगा नहीं। और इस तरह से देखिए हमारे छत पे, मेरी छत कितनी ग्रीन है, बहुत मज़ा आता है दोस्तों यहाँ छत पे आने में और बहुत सुकून मिलता है और फ्लावर भी हमें देखने को मिलते हैं, वेजिटेबल भी ग्रो हो जाती है, फ्रूट भी ग्रो हो जाते हैं। तो मेरे खाद भी मैं इसी तरह बनाती हूँ, सारा किचन वेस्ट से, कोई मार्केट से नहीं लाती। हाँ गोबर खाद ज़रूर मंगाती हूँ मैं गौशाला से, वो ऐड करती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं देती हूँ दोस्तों। ये देखिए मेरे अनार के पौधे में कितने फ्लावर आए हैं, आप देख सकते हैं। ये सब किचन वेस्ट का ही कमाल है दोस्तों और बहुत ही आसान है। हमारे घर में किचन वेस्ट रोज़ निकलता है, रोज़ दाल चावल का पानी निकलता है, तो मैं सभी कुछ ही इसी में ऐड कर देती हूँ। और ये देखिए तोरू की छोटी छोटी बेल, ये सीडलिंग मैंने तैयार की थी। और ये देखिए मेरे पास एक ब्लैक कलर की प्लास्टिक रखी हुई थी, इससे मैंने एक क्यारी बना ली है, चारों तरफ मैंने सपोर्ट लगाया है, नीचे स्टैंड लगाया है। तो इस तरह से इसमें मैंने सारे गेंदे के फ्लावर के पौधे लगा दिए हैं ताकि हमारे इंसेक्ट आए और हमारे सब्जियों के फ्लावर में पोलन करें, तो फ्लावर से अट्रैक्ट होते हैं वो। ये देखिए एक भिंडी का और ये इधर और खरबूजे की एक बेल और तैयार हो रही है, ये देखिए। इसको भी हम पॉलिनेट करेंगे, ये नर फूल से मादा फूल में हमें इस तरह से पॉलिनेट करना है, सुबह के टाइम में करना है। और ख़राब पत्ते जो भी हो हमें हटा देने हैं। ये पपीते का था
और ये देखिए मेरे चीकू का एक प्लांट और है यहाँ पे, ये मोगरे का है, इसमें भी नई नई ग्रोथ हो रही है। धूप बहुत ज़्यादा हो गई दोस्तों, इसलिए आपको पीला पीला सा नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, एक टिप्स और देना चाहूँगी कि गर्मियों में आप जो भी सूखे पत्ते हो, बेल हो, जो भी हमारे निकले गार्डन से, उसे हमें मल्चिंग कर देनी चाहिए। मल्चिंग से हमारी मिट्टी गर्म नहीं होती है, हमारी जड़ों को बहुत ही सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है। ये देखिए नींबू में कितने नींबू आए हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं गुच्छों में मेरे नींबू आए हैं, जबकि अभी ये प्लांट छोटा ही है, करीब 2 साल का है। तो मेरे प्लांट्स की ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कितने नींबू है, आप गिन नहीं सकते। ये देखिए, इसको भी मैंने इसी कंटेनर में लगाया है दोस्तों। ये गमले और ग्रो बैग से बहुत मजबूत होता है, लाइट वेट होता है। ये देखिए एक बेल ये है, ये बेल हम जो कचरी बाज़ार में आती है, कचरी और मिर्ची की जो सब्ज़ी हम बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, ये उसी की बेल है, ये भी मैंने लगाई है। देखिए अभी से इसमें कचरी आ गई है, ये मल्टी कलर के फ्लावर है, ये रोड साइड से लाके कटिंग से तैयार किया था, इसको भी मैंने कटिंग से तैयार किया है, इसमें भी रेड कलर के फ्लावर आते हैं। और इधर और है देखिए, इस तरह से मैं जो भी फ्लावर मुझे दिखता है मैं पोलन कर देती हूँ। ये मेरे बैंगन के पौधे देखिए, मैंने 2 दिन पहले ही बैंगन सारे हार्वेस्ट कर लिए थे, आप लोगों को फर्स्ट बार मैंने क्लिप में दिखाया है। और अब देखिए और छोटे छोटे बैंगन काफ़ी लगे हुए हैं, अब ये 2-3 दिन से और तैयार हो जाएंगे। तो मेरे 8 दिन में 1 या 2 बार बैंगन की सब्ज़ी बन ही जाती है दोस्तों, और बड़ी टेस्टी लगती है। और बैंगन के फ्लावर में हम अंगुली से ही पोलन कर देते हैं, वैसे मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है बैंगन को पोलन करने की, अपने आप हो जाते हैं हवा से। और जो भी इसमें पीले पत्ते हों उनको सबको हटा दीजिए, क्योंकि ये फालतू में एनर्जी लेते हैं। ये देखिए कितने बैंगन लगे हुए हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। और हाँ, एक बात और शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, आप कोई भी पौधा हो, कोई भी प्लांट हो, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा आप पानी मत दीजिए, क्योंकि पानी नहीं देने से तो वो नहीं मरेंगे, लेकिन ओवर वाटरिंग होते ही हमारे प्लांट्स मर जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, मैं चलते चलते एक एक टिप्स आप लोगों को देते जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिए। अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिला है, मुझे और भी सब्जियाँ ग्रो करनी है, तो मैं वो आगे आप लोगों को और बताऊँगी। ये देखिए मेरे बैंगन के कितने सारे पौधे हैं, अभी दूसरी साइड में और है, वो मैं बाद में बताती हूँ आपको। तो ये छोटे छोटे से टिप्स है दोस्तों, इसकी वजह से हम, ये देखिए ये मेरी भिंडी की सीडलिंग तैयार हो रही है। मैंने बोला था आपको कि मैं सीडलिंग बताऊँगी, ये इसमें सारी भिंडी ग्रो की है मैंने। और ये देखिए जो भी हमारे सूखे फ्लावर है उन सबको आप कैंची से काट दीजिए, सूखे पत्ते हटा दीजिए, टहनियाँ हटा दीजिए। ये देखिए इधर और है मेरे बैंगन के पौधे, और ये देखिए गुलदाउदी में कितने फ्लावर आ रहे हैं, और सूखे फ्लावर हमें हटा देने हैं। गुलदाउदी में कितनी कलियाँ बनी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं, अभी भी मेरे हर गुलदाउदी में फ्लावर आ रहे हैं। ये गेंदे के फूल हैं, मैं गेंदे के फूल मुझे बहुत पसंद है, ये गार्डन में 4 चांद लगा देते हैं दोस्तों, हमारा गार्डन बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए और सीडलिंग तैयार की है मैंने गेंदे की, इसमें बहुत सारी है, सब अलग अलग कंटेनर में लगा दूँगी। तो ये हाफ ड्रम मैंने लंबाई में काटा था, और ये देखिए मेरे चीकू में कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और पुराने चीकू भी इसमें लगे हुए हैं,
और 8 दिन पहले मैंने इसमें से चीकू हार्वेस्ट भी कर लिए थे, उसका क्लिप मैंने नहीं लिया दोस्तों, भूल गई थी। ये देखिए अभी भी ये पुराने थोड़े बहुत चीकू बचे हुए हैं और नई सी फ्लावरिंग हो गई है। ये देखिए ये गिलकी है, इसकी सब्जी बनती है, एक तोरी होती है और एक गिलकी, ये तोरी है। ऊपर देख सकते हैं करेले भी काफ़ी है, ये देखिए लंबे लंबे करेले हैं। बहुत ही साफ सुथरी सब्जी हमें घर पे मिल जाती है दोस्तों खाने के लिए। ये देखिए ये मौसमी का पेड़ है, इसको भी मैंने कंटेनर में लगाया है इसको। ये देखिए ये अंजीर का पौधा है, इसमें भी अंजीर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़े दिन से पक जाएंगे। ये देखिए करेले कितने लंबे लंबे हैं दोस्तों। तो मैं यही आप लोगों से शेयर करना, ये मेरे चेरी का प्लांट है, इसमें अगले साल मेरे चेरी भी आ जाएगी। ये गुड़हल है, कुछ फ्लावर है, कुछ फ्रूट है, कुछ वेजिटेबल्स है, इसमें भी कली आ गई है। ये गंधराज का पौधा है, इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं। और ये वाला जो गुड़हल का पौधा है ये मैंने कटिंग से तैयार किया है। ये देखिए मेरी गार्डन, मेरी छत देखिए दोस्तों। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैं गार्डनिंग करती हूँ और मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ, अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। मेरी मिट्टी भी बहुत ही अच्छी है, एकदम साफ़ सुथरी है, कोई कीड़े वगैरह नहीं है, इसमें सीडलिंग भी अच्छी तरह से हो जाती है और पौधे भी बहुत अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अगर स्वस्थ पौधे रहेंगे तो कोई कीड़ा वगैरह कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी छत का यूज़ लीजिए, वेस्ट मटेरियल का यूज़ लीजिए, कोई भी डिब्बा बाल्टी टप मग्गा कुछ भी हो उसमें आप पौधा लगा दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।